संतोष सिंह रिपोर्टर एरा मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर एमएमएफ खरीदी दीन साहब से नए बरस 2023 के उपलक्ष में बात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, नए बरस के संस्थान के लिए क्या कर रहे हैं, नया क्या विचार है आपका? देखिए, डॉक्टरों के लिए तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ा। जो बीमारियां 2022 में हो रही थी वो बीमारियां 2023 में भी हैं। हम पहले भी तैयार थे, हम आज भी अपने मरीजों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय जो वक्त चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक है, टेम्परेचर बहुत कम हो गया है और शीतलहर है, जिसके लिए आपको मालूम है कि बच्चों की कक्षाएं भी बंद कर दी गई हैं और समय में भी परिवर्तन किया गया है। जो बच्चे बड़े हैं तो इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि इससे जो कम उम्र के लोग हैं या हमारे जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं 70 बरस से ऊपर के, उनको इस टेम्परेचर से, इस मौसम से ज़्यादा नुकसान की आशंका रहती है। इसके लिए तैयारियां हैं हमारे पास, तो हम तैयार हैं और इलाज कर रहे हैं। इसी हिसाब से बच्चों में खांसी जुकाम इसकी भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि खाली टेम्परेचर के अंतर से भी ऐसा होता है, उसे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरिया का भी कोई संक्रमण नहीं है, लेकिन गर्म कमरे के अंदर बैठे हैं तो गर्म है वहाँ का, बाहर एकदम निकल के आ गए हवा ठंडी है, तो ऐसी स्थिति में भी नाक बहने लगती है और खराश हो जाती है, खांसी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि एकदम से टेम्परेचर का चेंज ना करें, एकदम से कमरे से निकल के बाहर ना आए, थोड़ी देर पहले बैठ जाएं और जब बिस्तर से बाहर निकल आए, आप रजाई से बाहर निकल आए, उस देर बैठ जाएं 3-4-5 मिनट, उसके बाद अच्छी तरह कवर करके, कैप लगा के, मफलर लगा के, तब आप अपने बाहर निकल के आइए और जो ठंडी हवा है उससे अपने को बचा सकते हैं। अभी सुबह शाम में बिल्कुल छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, अंदर रखें और उनके खान पान का ध्यान रखें, पानी और जो चाय गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें और जो भी हरी सब्जी घर के अंदर है, अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें और उम्मीद है कि इन चीज़ों का ध्यान रखने से हम इस बीमारियों से जो होने वाली है बचे रहेंगे। एक और ध्यान रखने वाली बात है कि चूँकि इन दिनों में हम लोग ज़्यादातर करीब करीब मिलकर बैठते हैं, यह अभी सर्दी है तो एक ही बिस्तर में 3-4 लोग बैठे हैं, पास बैठे हुए हैं, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा कि इसमें वो बीमारियां जो ड्रॉपलेट से फैलती हैं, जो सांस के द्वारा जो हमारे खांसी में जो कण निकलते हैं, पानी की कुछ बूंदें निकलती हैं, इसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसका भी ध्यान रखें कि अगर किसी को खांसी वगैरह है तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो पास ना बैठे, मुँह ढक ले, मास्क लगा ले, और अगर किसी को 2 हफ्ते की खांसी हो गई है तो ज़रूर जाके अपना टेस्ट कराए, टीबी हो सकती है उसमें और वो संक्रमण बीमारी है, तो उसका भी ध्यान रखें। इन चीज़ों का ध्यान रखने से बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।